हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित राणा एक बार फिर आप सभी के साथ एपी स्टडी ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कंपनी कैसे बनाते हैं, उसे बंद कैसे करते हैं, चालू कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो बता दी हैं आपको। और आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख लें तो ये सारी चीज़ें सही समझ में आ जाएंगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कंपनी को बनाने के बाद उसमें चेंजिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, सुधारते कैसे हैं कोई गलती हो जाए तो। उसके बाद अगर हम अपने खाते को स्थायी रूप से मिटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, यानी अपनी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे देखते हैं आज हम। क्रिएट कंपनी में बताऊंगा आपको, एडिटिंग कंपनी यानी कंपनी में कोई भी गलती है तो हम उसे सुधारेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊँगा आपको। और डिलीट कैसे करेंगे हम अपनी कंपनी को, तो इसके लिए मैंने स्पेशली एक कमांड आपको अभी शो करा दी है, अल्ट डी, अलग से ये कमांड देनी पड़ती है कंपनी को ओपन करने के बाद। मैं बताऊंगा अभी कैसे अपन यूज करते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हमने टेली ERP 9 चालू कर दी है और मैं इसके वर्क एजुकेशन मोड में जाऊंगा, सिल्वर पे यूज करूंगा। यहाँ मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे F3 में दिख रहा है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाकर भी हम कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अल्ट F1 से क्रिएट कंपनी बता रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्रिएट में जाकर हम कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी पे आप यहाँ एंटर करोगे, जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले का जो मैंने पिछले का वीडियो डाला है आप उसे ज़रूर एक बार देख लें तो बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। डायरेक्टरी के बारे में मैंने बताया था कि अपन सी ड्राइव में यूजर पब्लिक के नाम से, एक टैली के नाम से एक डाटा बन रहा है जिसमें अपनी सारी कंपनियां वन बाय वन करके स्टोरेज होती रहती हैं। जैसे आज हम कंपनी बनाना सीखेंगे, जैसे कि ये राना कोई कंपनी है, मिलिंग नेम में यही रहता है, एड्रेस एड्रेस हम यहाँ फिल करेंगे, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस हो वो आप यहाँ डालोगे। देन कंट्री इंडिया रहेगी अपनी, तो इंडिया आ ही रहा है। स्टेट के लिए मैं एम हाईलाइट करूँगा, एम आने के बाद मैं साइड में देखूँगा कि सारे मेरे एम से हाईलाइट हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश, जैसे हम भी मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश से सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड जो भी हो वो पिन कोड आपके एड्रेस का पिन कोड जो भी हो आप यहाँ पुट कराओगे, उसे फिल करोगे। बाकी टेलीफोन डिटेल जो भी हो आप उसे यहाँ कंपनी के अनुसार फिल करोगे, सारी मेल, फैक्स, वेबसाइट वगैरह जरूर डालें, ये इनवॉइस पे आती हैं सारी चीज़ें। फाइनेंशियल डिटेल के बारे में सब कुछ पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कब स्टार्ट करते हैं, कब चालू करते हैं, कौन सी डेट एक्सेप्ट होती है यहाँ पर, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप ज़रूर देखें पिछली वीडियो को तो ये वीडियो अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट फॉलो करते हुए आगे एक्सेप्ट करेंगे। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता चुका हूँ मैं, पिछली वीडियो को जरूर देखें, एक्सेप्ट करेंगे। गेटवे टैली हमारे सामने दिख रहा है हमें, और इसमें सारी चीज़ें जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं, ईराना कंपनी है, नो वाउचर, कोई वाउचर एंट्री तो ही नहीं है अभी इसमें। तो मैंने आपको बताया था कंपनी हम सुधारेंगे कैसे, कोई गलती अगर हमसे हो जाती है इस खाते बनाते समय तो हम सुधारेंगे कैसे। तो मैंने आपसे कहा कि अल्ट F3 एक कमांड लगाएंगे, कौन सी कमांड, अल्ट F3। कंपनी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने से, अब यहाँ हमें एक ऑप्शन दिख रहा है अल्टर, जिसमें ये डार्क रेड है, शॉर्टकट की बोलते हैं हम, जो भी डार्क कलर में होते हैं। अल्टर में एंटर करते ही हमारी कंपनी का नाम शो हो रहा है, हम इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, हम इसे सुधारना चाहते हैं ईराना, तो हम जाएंगे यहाँ नाम बदलना चाहते हैं, तो हम नाम करेंगे पी कुमार, मैंने नाम बदल दिया इसका। इस तरह से मैं एड्रेस भी बदलना चाहूँ तो एड्रेस बदल सकता हूँ, इस तरह से मैं एड्रेस भी बदल सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने, कोई भी एडिटिंग जो करनी हो आप कर सकते हो। देन फॉलो करते हुए लास्ट में एक्सेप्ट जरूर करें, तो उससे वो लॉक हो जाएगा, ये पोजीशन हमारी लॉक हो गई और लिस्ट कंपनी में हमारा नाम चेंज होकर दिख रहा है। फिर भी हम गेटवे ऑफ टैली पे वापस जाते हैं, ये मैं गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ गया। अब हम फिर से वहीं जाएंगे, अल्ट F3 में बताऊंगा, हमने करेक्शन किया, हमने
हुआ है या नहीं, अल्टर में जाएंगे और मैंने कंपनी को ओपन किया, देखो करेक्शन हो चुका है। अब यहीं से हम कंपनी को मिटाते हैं, सेम प्रोसेस है, अल्टर में आओगे कंपनी करेक्शन सामने आ जाएगा अल्ट्रेशन लिख के। अब यहीं से हम अपनी कंपनी को मिटा भी सकते हैं अगर आप मिटाना चाहते हो तो, मैंने कमांड बताई थी अभी शुरुआत में, अल्ट डी एक कमांड आप टाइप करोगे यहाँ से, एंटर करोगे और यहाँ से एस करोगे, कंपनी आपकी डिलीट हो गई है, कंपनी इन्फॉर्मेशन का विंडो सामने आ गया है, कंपनी मिट गई है। तो आज हमने क्या सीखा, कंपनी बनाने के साथ कंपनी सुधारना और डिलीट करना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, व्यू करें और समझें सारी चीज़ें। आगे नेक्स्ट वीडियो इस तरीके से मैं डालता रहूँगा, आपको सभी मिलते रहेंगे, बेल आइकन दबाइए, सारे वीडियो आपको मिल जाए करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।